हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अदील अलवी एंड यू आर वाचिंग द बायोमेड डूड। सो आज हम बात करेंगे स्पायरोमेट्री के बारे में, इसको वाइटेलोग्राफ भी कहते हैं। हमारे पास MIR की एक स्पायरो लाइफ मशीन जो है वो मौजूद है। इसकी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे ये किस तरीके से काम करती है और अपना जो आप टेस्ट है स्पायरोमेट्री का वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास स्पायरोमेट्री की मशीन है। ये साथ इसकी एसेसरीज पड़ी हैं, जिसमें हमारे पास इसका चार्जर है, वो इसके बैक पे लगता है। ये इसका टर्बाइन है और ये हमारे पास पोर्टेबल वो है, माउथ पीस है जो इसके साथ अटैच होता है। इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करके तो सबसे पहले डाटा एंटर करूँगा। डाटा एंटर करने के बाद हम फिर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। डाटा एंटर करने के लिए सबसे पहले हम ऐड सेलेक्ट पे जाएंगे। ये आईडी पे हम यहाँ पर अब पेशेंट का MR नंबर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम डेमो के तौर पे कर रहे हैं इसलिए हम कुछ भी नंबर डालेंगे अपनी तरफ से। नेम में मैं अपना टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपना डालूंगा। Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up on breathless anxieties. Height aur weight chahiye hota hai. Weight hum karte hain centimeters mein, to hamare paas height and weight scale hai. Main abhi apna height aur weight karke aaunga, uske baad hum yahan pe enter karenge. To maine apna height aur weight kar liya, abhi main isko yahan par enter karunga. Weight height centimeters mein likhte hain aur weight hum kgs mein likhte hain. सेक्स सेलेक्ट करूंगा मैं, मेल। इसके बाद इसको हम सेव एंड एग्जिट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे FVC पे, जहां पे जाके हम पहले पेशेंट को पूरा गाइड करते हैं किस तरह आपने इनहेल और एक्सहेल करना है। तो फिर हम पेशेंट से अटेम्प्ट्स करवाते हैं। ये हमने लगा लिया माउथ पीस टर्बाइन के साथ, ये कनेक्ट है और टेस्ट के लिए रेडी है। अब मैं जाऊँगा FVC पे और इनहेल एंड एक्सहेल करूँगा मैं। ये देखें मैंने किया तो ये ग्राफ बन गए। इसको हम सेव कर देंगे। ये नॉर्मल स्पायरोमेट्री है मेरी, बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनाया मैंने। इट मीन्स कि मेरे लंग्स अभी तक ठीक है। 8 अटैम्प्ट करवा सकते हैं पेशेंट पे, और नॉर्मली ही हम जो करवाते हैं वो 3-4। अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक कर रहा है तो हम 3-4 अटैम्प्ट करवाते हैं, और अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ आ रही है हमारी बार बार समझाने पे भी, तो फिर हम मैक्सिमम 8 अटैम्प्ट करवाते हैं। ये मैं एक और अटैम्प्ट करूँगा। ये देखिए नॉर्मल स्पायरोमेट्री है मेरी, ग्राफ भी बड़ा अच्छा बना है। तो हम प्रिंट लेंगे इसका। हमें हाल स्टडी कर लेने मुंडा आया। वो हैंडआउट्स मुंडे को लेने के थोड़े को पता नहीं।